नमस्कार दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगा। ये मैंने मिल्टन का मैजिक मॉप मंगाया है और इसकी कॉस्ट हमको कुछ ऑफ़र प्राइस में कुछ 650 रुपीज़ का पड़ा है। और ये स्पोर्ट्सो मिल्टन का है। क्वालिटी देखे तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने ये ऑलमोस्ट फोर्थ प्रोडक्ट मंगाया है, तो ऑफ़र में इसका अच्छी कॉस्ट पड़ा है। रिव्यू बहुत अच्छे थे, इसलिए मैंने जब ख़रीदा तो देखा बहुत अच्छा है। इसके गाला के कंपैरिजन में 1000 टाइम बेटर है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। और ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया है, साइड में जस्ट एक स्टिकर लगा हुआ है फ़्लिपकार्ट का, बाकी पूरा मिल्टन का ही बॉक्स में आया हुआ है। और इसका MRP की बात करें तो MRP है 1700 रुपीज़। तो बहुत अच्छा डिस्काउंट है, ऑलमोस्ट 1050 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। तो चलिए इसको ओपन करके देखेंगे कैसा है। उन्हीं लोगों का ये टैग वैग सब कुछ है, जस्ट फ्लिपकार्ट के थ्रू बेच रहे हैं तो थोड़ा फ्लिपकार्ट का एक टैग लगा देते हैं साइड से, ताकि पूरा मिल्टन वालों का ही। तो देखा जाए तो क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छा है, पैकिंग बहुत अच्छी आई हुई है। और तो ये मैंने इसको साइड रखा, बॉक्स में कुछ नहीं है, तो बॉक्स को साइड रख देंगे। अभी इसको ओपन करके देखेंगे। ये इसका स्टिक है जो इसको आपको कनेक्ट करनी है, तो इसको बाहर करके दिखाएंगे। और इसके साथ ये दो रिफिल आते हैं, इनको रिफिल बोलते हैं, जो क्लॉथ है पोंछा वाला वो इसको उसमें इसका जो फ्रेम है प्लास्टिक का इसमें फिट करना होता है। तो ये तो बाद में करके दिखा देंगे अभी, बट इसको साइड से रखते हैं, दिखा देते हैं क्या क्या आया। तो ये दो आई हैं रिफिल। और ये है इसमें लिक्विड डिस्पेंसर, आप कुछ भी इसके अंदर जो सोप है वगैरह वो इसमें रख के यहाँ रख सकते हैं। बाद में इसको प्रेस करके ऐसे आप उसको सोप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए इसको भी निकाल के देखा जाए। ये जो है साइड में इसका ये लिक्विड ड्रेनेज है, जब आप मॉप कर लें तो इसको निकाल के ड्रेन किया जा सकता है। तो और इसके साथ में ये व्हील आए हुए हैं, तो मीन्स आप इसको पकड़ के, ये हैंडल है, इसको एक्सटेंड करके और खींच के लेके जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। साथ में इसके वारंटी कार्ड है, 1 ईयर की वारंटी है, तो ख़राब तो नहीं होता है ये, तो बट वारंटी है तो और थोड़ा रिलायबल हो जाता है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं तो ये फोर्थ प्रोडक्ट ख़रीद रहा हूँ अपना सभी दोस्तों रिलेटिव को देने के लिए। बहुत अच्छा है ये देखिए। तो चलिए इसको कनेक्ट करके देखते हैं, नहीं तो आप या तो आप इससे खींच के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और इसको उठा के भी आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो अभी इसको कनेक्ट करने की बताएंगे हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये एक रिफिल लेनी है, और रिफिल को इसमें कनेक्ट करेंगे। ये फ्रेम है इसका, इसको कैसे सीधा इसमें रख के इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इसको दबा देना है। इसको दबा देंगे तो ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप इस जब कनेक्ट कर लेंगे ना, निकालने के लिए भी इसको पकड़ के खींचना होता है, तो ये डिसकनेक्ट हो जाएगा इससे। जस्ट प्रेस एंड लॉक टाइप का ये लॉक होता है, और इसको आप जब इसको सीधा करेंगे तो थोड़ा यहाँ पे खरोंच आने का चांस है, पेंट निकलेगा, तो इसको आप इस तरीके से सीधा कर लेंगे और इसमें दूसरा ये कनेक्ट करेंगे। तो ये जो है इसका लॉक है, ये अप डाउन होता है, इसी से ही रोटेटिंग असेंबली यही है पूरा, इसके अंदर का जो पार्ट है और ये लॉक है। तो अभी हम लॉक को ओपन कर देंगे और इसको कनेक्ट करेंगे। इसमें कनेक्ट करने से पहले आपको ये पूरा ओपन कर लेना है। जब ये ओपन हो जाएगा तो ये इसमें एक साइड विदाउट ये थ्रेड कट नहीं है, एक साइड इसमें कट है चूड़ी, तो इस साइड आपको नहीं करना है, इसमें सीधा इसको इसमें डाल देना है, ठीक है। तो जब ये इसमें कनेक्ट हो जाएगा फिर बाद में आप इसको टाइट कर सकते हैं। जब इसको टाइट कर देंगे तो ये लॉक लग जाएगा।
ठीक है। तो ये आपका माउस इस तरीके से कनेक्ट हो गया है, और इसके ऊपर की एक्सटेंशन रॉड है वो मैं कनेक्ट करके बताता हूँ आपको। एक्सटेंशन रॉड को इसको प्लास्टिक का जो ये तो आपका टॉप साइड है और ये बॉटम साइड है, तो इसको इसमें कनेक्ट कर लेना है आपको। रोटेट करके ये क्लोज हो जाता है। तो फाइनली आपका ये मॉप है ऐसा रेडी हो गया है। अब आप जब इसको ऐसे प्रेस करेंगे और फिर जब इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे वाला पार्ट रोटेट होगा। अभी क्योंकि ये नीचे वाला स्टेबल कर रखा है तो ऊपर वाला रोटेट हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको इसमें ये जो इसमें पानी रहता है और पानी में इसको डिप करना है, ठीक है। फिर आप प्रेस करेंगे तो ये रोटेट होगा। पानी में ये जो आपका पोंछा लगा है वो वेस्टेज है वो इसमें क्लीन हो जाएगा, धुल जाएगा, यानी कि साबुन और पानी का ये इसमें सॉल्यूशन रहेगा। फिर आप इसको जब निकाल लेंगे, और ध्यान रहे कि लॉक खुला होना चाहिए धुलने के टाइम, तो ये आपका लॉक खुला है तो ये रोटेट कर रहा है। ऊपर वाला आप टाइट पकड़ेंगे तो नीचे वाला पोर्ट पार्ट घूमेगा, ओनली नीचे वाला घूम रहा है देखो। तो अब ये इसमें क्लीन हो गया है, अब मैं इसको ड्राई करूँगा। तो ड्राई करने के लिए इसमें डाल के ऐसे घुमाना है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से पूरा इसका जो पानी है वो निकल जाएगा। फिर आपको ऐसे करके इसको थोड़ा बेंड कर लेना है इधर से, ठीक है। फिर आपको ऐसे करके मॉपिंग करनी है इस तरीके से, मतलब मॉपिंग करने के टाइम इसको आपको ध्यान रहे कि ये लॉक करना है, नहीं तो ये अंदर बाहर होता रहेगा, ठीक है। और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग इसको स्टिक को छोटा बड़ा कर सकते हैं, और इस तरीके से मॉपिंग करनी है। फिर बाद में उसमें पानी में क्लीन करना है और ड्रायर में ड्राई करना है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।